खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत में चीन की जासूसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं के अलावा सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। खुलासा करते हुए चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्रियों, पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्रियों के अलावा 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच और सेना से जुड़े समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। जिन नामों का खुलासा हुआ है उनमें देश के कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। वहीं लिस्ट में 16 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। चीन की एक कंपनी शेनजेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक ये जासूसी कर रही है। शेनजुआन इन्फोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना है। अंशिका पाठक मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंशिका, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और कौन कौन सी ये चीन की कंपनियां हैं जो अपनी सरकार के लिए दूसरे देशों के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों पर निगरानी रख रखी है। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है तो उसमें यही बताया गया कि चीन की कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जो लगातार जासूसी में जुटी हुई है। कई सारी ऐसी चीन की कंपनियां हैं जो इस तरह की हरकत कर रही हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चीन किस तरीके से अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे चुका है। इससे पहले भी 29 जुलाई को हमने देखा था घुसपैठ करने की कोशिश बॉर्डर पर किया जा रहा था। एक बार फिर अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हमने देखा घुसपैठ करने की कोशिश चीन कर रहा था, जब झड़प भी हुई, लेकिन इस बार की जो झड़प थी उसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई है। लेकिन इन के बीच बॉर्डर तक तो चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अब साइबर के जरिए भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है चीन, और जासूसी करके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, उनके अकाउंट्स को हैक करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। मैं पेपर का मदद लेना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अंशु कि किन किन लोगों के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश में चीन जुटा है और जासूसी किस तरीके से चीन की तरफ से की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि आखिर चीन क्या अब वॉर इस तरह से करना चाहता है, साइबर के जरिए करना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं हमारी जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ रही है बॉर्डर पर, तमाम हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे सेना जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है बॉर्डर पर, तो क्या इस तैयारी को देखते हुए चीन अब बॉर्डर पर युद्ध नहीं साइबर के जरिए युद्ध करना चाह रही है? बिल्कुल, चीन की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है अंशिका, लेकिन जो जानकारी हम आपसे जानना चाहते हैं, बिल्कुल जो तमाम बातें आपने कही हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन एग्रेसिव मोड में भारत भी है और अब पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चाहे वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना हो, आयात निर्यात को पर पूरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और चीन के खिलाफ पूरी कवायद भारत ने छेड़ दी है, साथ ही साथ जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी अपनी शक्ति को हम लगातार भारत जो है वो मजबूत करता जा रहा है। लेकिन डिजिटली जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म का चीन इस्तेमाल कर रहा है, अब तक उसको कितनी कामयाबी मिली है और भारत की तरफ से कितने स्टेप्स उठाए गए हैं अब तक? ये कोई पहली बार नहीं है अंशु जब चीन जासूसी कर रहा हो। अभी इससे पहले भी अभी हाल ही में चार्ली पेंग नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो यहाँ पर मजनू के टीला में दिल्ली में रहा करता था और वो जासूसी करता था, वो इन्फॉर्मेशन निकालता था। और यही वजह है कि जितने भी चीनी एप्स बैन किए गए हैं, जब इस बात का खुलासा हुआ कि इस तरीके से जासूसी करने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, तो इस आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसने ये कबूला भी कि ये सोशल मीडिया के जरिए जासूसी कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपनी चीनी कंपनी को देता था। और अब इनका बड़ा टारगेट है जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई सारे अफसर, जितने भी रक्षा मंत्री के साथ साथ जितने भी हमारे सेना के बड़े अधिकारी हैं, उनके अकाउंट्स को ये हैक करना चाहते हैं, उनके डेटा को ये हैक करना चाहते हैं। और फिर इनका ये मोटिव है कि अब ये युद्ध फील्ड में नहीं करना चाहते, ये सोशल मीडिया के जरिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ऐसा कर रहे, से पहले भी कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन को इसी हरकत की वजह से बायकॉट किया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तिब्बत, फिलीपींस, कई सारे ऐसे। बहुत शुक्रिया अंशिका, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। तो मेरी सहयोगी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।